जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिपोर्ट आती है तो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलर चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वेलकम टू टू द पॉइंट और आज जिस रिपोर्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया रिपोर्ट ट्वेंटी राइट क्या होते हैं सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि आपके एलिफेंट कॉरिडोर क्या होते हैं वो सबसे पहले एलिफेंट कॉरिडोर कैन बी डिस्क्राइब एज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड एलिफेंट मूवमेंट बिटवीन टू और मोर मतलब अगर ये एक फ्रेगमेंटेड हो गए हैं पहले सबको जंगल होता था अब ऐसा नहीं है, अब जंगल का एक है बीच में शायद आपकी रेलवे लाइन निकलेगी या कोई गाँव आ गया या कोई शहर आ गया और इसके बाद में दूसरा जो है, वहां है तो फ्रेगमेंटेड हैबिटेट है इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि आपका जो गजराज है उनकी जो है फ्री मूवमेंट हो सके यहां से यहां, यहां से यहां तो कि आपने जो पूरा एरिया है उनका हैबिटेट है वो फ्रेगमेंटेड कर दिया लेकिन फिर भी वो एक दूसरे एरिया के अंदर जा सके राइट उसको एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है और उस कॉरिडोर के ऊपर एक रिपोर्ट आई है अभी अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है राइट चलिए देखते हैं ऊपर ऊपर से बताते हैं पहले कि क्या चीज है इंक्रीज इन एलिफेंट एलिफेंट कॉरिडोर देखने को मिला है अक्रॉस

एलिफेंट जो है थोड़े टाइम बाद अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और हो सकता है वो इस रास्ते से जाए राइट तो हमको भी साथ साथ अपडेट करना पड़ता है उनके कॉरिडोर को क्यों अपडेट करना होता है बिकॉज से आपकी रेलवे भी जाती है, यहां से आपकी सड़कें भी जाती है राइट तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि कोई एलिफेंट ट्रेन से टकरा गया ट्रेन को भी नुकसान है एलिफेंट पॉपुलेशन को भी नुकसान है राइट uh, कोई खेत है बीच में राइट और वहां पे फिर ह्यूमन होंगे तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसीलिए हमें अपडेटेड रहना पड़ता है कि ये कौन सा रास्ता यूज कर रहे हैं किधर से जा रहे हैं जैसे वो एक गाना है ना कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी पागल लड़की मुझे मरवाएगी तो हमने कॉन्फ्लिक्ट जो है बच्चे वो अवॉइड करना है देखते हैं पहले 88 थे अब बढ़ गए हैं सबसे ज्यादा किसमें ये प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉरिडोर्स राइट और 17% ऑफ ऑल पैसेजेस वेस्ट बंगाल में है ठीक है जी 84% स्टेट बाउंड्रीज कहने का मतलब कि इंट्रा स्टेट ट्रेवल होता है उसमें मतलब बचे हुए सोलह परसेंट आपके बाहर हुए जो कि स्टेट से बाहर होंगे उसमें से थर्टीन परसेंट है दैट आर इंटर स्टेट बाकी ट्रांसनेशनल भी है नेपाल के साथ में भी है राइट अबाउट थर्टीन परसेंट आर इंटर स्टेट इसके बाद में जो मेन पॉइंट बनता है हमारा दैट इज एक्सपेंशन ऑफ एलिफेंट रेंजिस है ना और फ्री रेंजिस उनकी मूवमेंट का दायरा बढ़ रहा है

अब चलते हैं कि एलिफेंट क्या है एलिफेंट तो आपको पता ही है क्या है राइट right? हम देख रहे हैं प्री स्पेसिफिक इसके एलिफेंट के राइट नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट ये है कीस्टोन स्पीशीज है मतलब कि इसके ऊपर बहुत सारी स्पीशीज डिपेंड करती है इट इज द मेन स्पीशीज जिसके साथ में आपका पूरा अगर ये एलिफेंट को आप हटा देते हो तो इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान होगा ये कीस्टोन स्पीशीज है किसी को कीस्टोन स्पीशीज नहीं पता तो गो सर्च इट ऑन आपको थोड़ा पता होना चाहिए यूपीएससी का, का, मतलब uh, का पॉपुलेशन है, है वो इंडिया में पाई जाती है सबसे ज्यादा अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ ग्लोबल स्पीशीज इंडिया में सबसे ज्यादा कहा कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाइएस्ट नंबर ये बाई दो बीस में जो है पूछा भी गया था उन्होंने बोल दिया था कि केरला हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना बट इस इन दिस इज फॉलोड बाय असम एंड केरला नंबर पे देन देन असम केरला प्री के लिए इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट्स इनके ऊपर क्या क्या चल रहे हैं इंडिया के अंदर मेनली इसके दो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं जो चल रहे हैं नंबर वन इज गज यात्रा राइट ये कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं है अवेयरनेस कैंपेन है ऐसा नहीं है कि कोई सैर करने निकल गया हाथी के ऊपर बैठ के सिर्फ ये अवेयरनेस कैंपेन है बच्चे इसके अलावा वी हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कब शुरू हुआ था प्लस इसके अंदर मैं आपको एक दे देता हूं कि आपने ध्यान इस बात का ये रखना है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है बच्चे इसके अंदर कैप्टिव एलिफेंट की भी वेलफेयर की बात कर रखी है राइट तो इसमें ती, दो तीन चीजें हैं उसमें कैप्टिव एलिफेंट भी इंक्लूड होता है इसके अलावा वर्ल्ड वाइड में इट इज माइक मॉनिटरिंग ऑफ इनिगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम और वर्ल्ड एलिफेंट डे फॉर अवेयरनेस थिंग ये एक थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link टू ज्वाइन द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जिद से जीत तक